अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज इकबाल है और मेरा तल्लुक गम ट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की जो वीडियो रावलपिंडी रिंग रोड की अपडेट के हवाले से है, मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम नए मेम्बरान से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी ऑन गोइंग अपडेट्स हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। राइट नाउ जी मैं खड़ा हूँ ठलिया इंटरचेंज के पास और मेरे बैक साइड पर अगर देखें तो ये रावलपिंडी रिंग रोड का जो लास्ट इंटरचेंज है उसके ऊपर प्रॉपर अर्थवर्क आपका शुरू हो चुका है। रावलपिंडी रिंग रोड जी आपका 38.3 किलोमीटर है और ये ठलिया इंटरचेंज इसका लास्ट इंटरचेंज है। अगर आप ठलिया से ऑनवर्ड रवात वाली साइड पे जाते हैं तो एयरपोर्ट से आप जैसे निकलेंगे तो आने वाले टाइम में जैसे आप रिंग रोड के ऊपर एंटर होंगे तो राइट साइड पर सबसे पहली जो सोसाइटी है वो आपको फैसल टाउन पड़ेगी। फैसल टाउन जी आपकी एक ऐसी प्राइम लोकेशन के ऊपर सोसाइटी है जो एयरपोर्ट से हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप फैसल टाउन फेज़ 2 ओवरसीज ब्लॉक में एंटर हो सकते हैं और ठलिया से लेके ऑलमोस्ट चक्री इंटरचेंज तक जो सेकंड इंटरचेंज है रिंग रोड का 7.5 किलोमीटर का जो पैच है वो आपका फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ जा रहा है। तो वो लोग जिन्होंने फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है दिसंबर 25 दिसंबर 2024 को रावलपिंडी रिंग रोड का ओपनिंग डेट है। अगर लेट से गवर्नमेंट की तरफ से इसके तो अंदर थोड़ा सा डिले भी होता है 2025 मिड में भी ये ओपन होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपका फैसल टाउन फेज़ 2 है और उसके मेम्बरान है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के मेम्बरान जिन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड को देखते हुए यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अगर यहाँ से यहाँ पे अपनी फर्दर 2-1 साल मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में सबसे बड़े बेनिफिशियरी आपके ये मेम्बर होंगे। और अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 का प्रीवियस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उन्होंने बिफोर टाइम डिलीवरी दी है चूँकि इस टाइम मार्केट के अंदर जो पैनिक की सिचुएशन है, एक तो मार्केट माइनस में है और सेकेंडली सोसाइटी की तरफ से बार बार जो इसकी बैलेटिंग की डेट है उसको चेंज करते जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और जैसे ये सेटल डाउन होंगी आपकी बैलेटिंग की डेट होगी, बैलेटिंग अनाउंस हो चुकी होगी और आपका NOC प्लस डेवलपमेंट चार्जेस आपके इसके ऊपर शुरू हो जाएगी डेवलपमेंट का प्रॉपर काम और साथ ही रिंग रोड की ओपनिंग की डेट आपकी करीब आती है तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। फैसल टाउन फेज़ 2 के जितने भी मेम्बरान हैं इस टाइम अपनी फाइल को हरगिज़ माइनस में सेल ना करें, कोशिश करें कि 3-4 चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। एक तो रिंग रोड का ओपनिंग डेट या ओपन होना बाकी है, इसी तरह जी आपका NOC डेवलपमेंट आपकी बैलेटिंग ये चीज़ें आपकी बिल्कुल अभी तक जो ना हैं और जो लोग यहाँ पे नुकसान में चीज़ें बेच जाएंगे आने वाले टाइम में 1-2 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा वो लोग उठाएंगे जो चीज़ें अभी बाएँ करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी फैसल टाउन के मेम्बर हैं उस टाइम अपनी फाइल को बिल्कुल ना सेल करें। रिंग रोड का जी प्रॉपर आपका काम शुरू हो चुका है, फुल फ्लेज अगर देखते हैं तो आपका 38.3 किलोमीटर के ऊपर प्रॉपर काम है लेकिन स्पेशली रिंग रोड की अगर बात की जाए फैसल टाउन के ऊपर तो ठलिया से लेके आपका चक्री तक जो 7.5 किलोमीटर का पैच है ऑलमोस्ट आपका फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और इसके ऊपर अगले 3 से 4 महीने के अंदर इंशाल्लाह इसके कारपेटिंग का काम शुरू हो जाएगा। फैसल टाउन फेज़ 2 का अगर आप मेंबर हैं या आप फ्रेश वॉकिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जी आपके पास इस टाइम बेहतरीन ऑप्शन है। ओवरसीज़ ब्लॉक का पेमेंट प्लान साथ अटैच करें अगर आप अपनी फ्रेश बुकिंग करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इस तरह अगर जी आप अपनी फाइल को सेल करना चाह रहे हैं, ऑफ़र लेना चाह रहे हैं तो पहली सजेशन ये है कि अपनी फाइल को हरगिज़ माइनस में सेल ना करें। अभी टाइम आपका बाइंग का टाइम है ना कि सेलिंग का टाइम है, आप इसको मैक्सिमम 1-1.5 साल के लिए होल्ड करें तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके लिए बहुत सुधा साबित हो सकती हैं। बाकी जी फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से फिर भी आप फाइल सेल करना चाह रहे हैं इस हवाले से कोई भी क्वेरी है नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी ऑन गोइंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज़ 2 एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।